हेलो फ्रेंड्स, मैं एस एन प्रजापति ड्रीम क्लासेस की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बीएचयू बीएससी प्रीवियस ईयर मैथ वर्ग के लिए पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस पेपर में खास क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि टाइम 2.5 घंटे का है और फुल मार्क्स 450 अंक यानी 450 अंक टोटल हैं। और दोस्तों, इसमें 50 प्रश्न फिजिक्स से संबंधित, 50 केमिस्ट्री से संबंधित और 50 मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न होते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की कुल संख्या 150 और टोटल मार्क्स 450। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्शन 1 खंड 1 मैथमेटिक्स गणित। और दोस्तों, एक इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न दिए गए हैं और एक ही पेज पर पहले अंग्रेजी में फिर नीचे उसका हिंदी में प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग पेज संख्या 4 पर देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें लिमिट से संबंधित, अवकलन से संबंधित, मिस डिफ्रेंसिएशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, पेज नंबर 5 पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों, पेज नंबर 6 पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक के प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, डिफ्रेंसिएशन से और इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 से लेकर 12 तक के प्रश्न पेज नंबर 7 पर अंकित हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13-14 पेज नंबर 8 पर और प्रश्न संख्या 15-16 पेज नंबर 9 पर अंकित है। दोस्तों, इसमें सरफेस एरिया बाउंडेड से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, हम लोग जो है गणित के पोर्शन को देख रहे हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17, 18, 19 प्रश्न संख्या 17, 18, 19 पेज नंबर 10 पर अंकित है और प्रश्न संख्या 20, 21, 22 पेज नंबर 11 पर दिया गया है। दोस्तों, इसमें मॉड से रिलेटेड संबंध, घनों के विकर्णों से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न पेज नंबर 12 पर प्रश्न संख्या 23-24 में दिए गए हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 से लेकर 27 तक के प्रश्न पेज नंबर 13 पर अंकित है। दोस्तों, इसमें डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं और दोस्तों, प्रायिकता से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 28 से लेकर 31 तक के प्रश्न पेज नंबर 14 पर अंकित हैं और प्रश्न संख्या 32 से लेकर 35 तक के प्रश्न पेज नंबर 35 पर अंकित है। दोस्तों, हम लोग गणित के पोर्शन को देख रहे हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 से लेकर 38 तक के प्रश्न पेज नंबर 16 पर अंकित है और प्रश्न संख्या 39 से लेकर 41 तक के प्रश्न पेज नंबर 17 पर अंकित हैं। दोस्तों, इसमें अगर किसी प्रश्न पर टिक लगा हुआ है, किसी विकल्प पर टिक लगा हुआ है, तो आप यह आवश्यक न समझें कि वह विकल्प सही ही है, क्योंकि दोस्तों, यह किसी स्टूडेंट से का ओरिजिनल पेपर है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 से लेकर 44 तक के प्रश्न पेज नंबर 18 पर, प्रश्न संख्या 45 से लेकर 47 तक के प्रश्न पेज नंबर 19 पर अंकित है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 48 से लेकर 50 तक के प्रश्न पेज नंबर 20 पर अंकित है। दोस्तों, इस तरह से गणित के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खंड 2 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 से लेकर 53 तक के प्रश्न पेज नंबर 21 पर पूछे गए हैं। और दोस्तों, प्रश्न संख्या 54 से लेकर 56 तक के प्रश्न पेज नंबर 22 पर पूछे गए हैं और प्रश्न संख्या 57 से लेकर 58 तक के प्रश्न पेज नंबर 23 पर पूछे गए हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 59 से लेकर 61 तक के प्रश्न पेज नंबर 24 पर पूछे गए हैं और प्रश्न संख्या 62 से लेकर 63 तक के प्रश्न पेज नंबर 25 पर पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सभी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 64 से लेकर 65 तक के प्रश्न पेज नंबर 26 पर और प्रश्न संख्या 66 से लेकर 68 यानी 68 तक के प्रश्न पेज नंबर 27 पर पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बिल्कुल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और प्रश्न संख्या 69 और 70 पेज नंबर 28 पर हैं और प्रश्न संख्या 71 टू 74 पेज नंबर 29 पर हैं। दोस्तों, ये सभी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 75 से लेकर 78 तक पेज नंबर 30 पर और प्रश्न संख्या 79 टू 81 पेज नंबर 31 पर अंकित है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आगे देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 82 से लेकर 84 तक के प्रश्न केमिस्ट्री से रिलेटेड पेज नंबर 32 पर और प्रश्न संख्या 85 से लेकर 87 तक के प्रश्न पेज नंबर 33 पर अंकित है। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 88-89 पेज नंबर 34 पर और प्रश्न संख्या
90, 91, 92, 93, पेज नंबर 35 पर अंकित है। दोस्तों ये सभी प्रश्न केमिस्ट्री से संबंधित है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 94, 95 पेज नंबर 36 पर और प्रश्न संख्या 96, 97 और 98 पेज नंबर 37 पर अंकित है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री के हम लोग जो है कि आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 99 और 100 पेज नंबर 38 पर अंकित है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सेक्शन 2, दोस्तों सेक्शन 2 खंड सेक्शन 3 खंड 3 भौतिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न 100 से 101 से शुरू होता है। 101, 102 पेज नंबर 39 पर अंकित है। और दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड वेलोसिटी से रिलेटेड प्रश्न और प्रश्न संख्या 103, 104, 105 पेज नंबर 40 पर और प्रश्न संख्या 106, 107 पेज नंबर 41 पर अंकित है। दोस्तों इसमें कह सकते हैं कि कार्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 108, 109 पेज नंबर 42 पर और प्रश्न संख्या 110, 111 पेज नंबर 43 पर अंकित है। दोस्तों ये सभी प्रश्न फिजिक्स से रिलेटेड हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 112, 113 पेज नंबर 44 पर और प्रश्न संख्या 114 से लेकर 116 तक के प्रश्न पेज नंबर 45 पर अंकित है। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न फिजिक्स से रिलेटेड हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित है, कर्नाट इंजन, स्वरित द्विभुज आदि से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देख रहे हैं कि हम लोग वेव से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन संख्या 117, 118 है और प्रश्न संख्या 119, 120, 121 पेज नंबर 47 पर अंकित है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स में प्रश्न संख्या 122, 123, 124 पेज नंबर 48 पर और प्रश्न संख्या 125, 126 और 126 पेज नंबर 49 पर अंकित है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 127, 128 पेज नंबर 50 पर और प्रश्न संख्या 129, 130, 131 पेज नंबर 51 पर अंकित है। दोस्तों आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 132 पेज नंबर 52 पर और प्रश्न संख्या 133, 134 पेज नंबर 53 पर अंकित है। दोस्तों BHU BSc एंट्रेंस में माइनस मार्किंग होता है, इसलिए गलत विकल्प का बिल्कुल चयन न करें। जो आपको सही सही आता है केवल बस उन्हीं विकल्पों को आप जो है कि सही करें और उन्हीं प्रश्नों को ट्राई करें। दोस्तों प्रश्न संख्या 135 से लेकर 136 तक के प्रश्न पेज नंबर 54 पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रजिस्टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 137, 138, 139 पेज नंबर 55 पर और प्रश्न संख्या 140, 140 प्रश्न पेज नंबर 56 पर अंकित है। प्रश्न संख्या 141, 142 पेज नंबर 57 पर अंकित है। और दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 143, 144, 145, 146 पेज नंबर 58 पर अंकित है और प्रश्न संख्या 147, 148, 149 पेज नंबर 59 पर अंकित है। और दोस्तों इसमें लॉजिक गेट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, रेडियो एक्टिव से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आइसोटोन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग आखिरी पेज पर आ गए और देख रहे हैं कि पेज नंबर 60 पर 150 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, रेडियो तरंग दैर्ध्य वायुमंडल के किस भाग से परावर्तित होता है। दोस्तों इस तरह से यह पेपर पूरा कंप्लीट हो गया और दोस्तों BHU BSc एंट्रेंस में, और दोस्तों यह जैसा कि आप देख पा रहे हैं रफ ओवर के लिए, दोस्तों BHU BSc मैथ, BHU BSc एंट्रेंस में मैथ वर्ग के लिए दोस्तों यह पेपर था। और दोस्तों इस तरह से अगर आप तैयारी करें, अच्छे से प्लानिंग बनाकर तैयारी करें, तो बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों आपकी सफलता के लिए बेस्ट ऑफ लक।